हेलो मेरे प्यारे बच्चों हाउ आर यू ऑल बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हेलाइट्स बेटा एलिमेंट्स ऑफ सेवेंटींथ ग्रुप विच आर कॉल्ड हेलोजेंस एलिमेंट्स ऑफ सेवेंटींथ ग्रुप बेटा विच आर कॉल्ड हेलोजेंस कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कंपाउंड ऑफ टाइप एच एक्स दीज आर कोल्ड बेटा हाइड्रोजन हेलाइड्स दीज कंपाउंड आर कोल्ड हाइड्रोजन हेलाइट बेटा हाइड्रोजन हेलाइड्स की हमें आज प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है ओके okay? तो हेलोजन सेवनटीन ग्रुप एलिमेंट्स बेटा फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन एंड एस्टेटाइन बेटा एस्टेटाइन भी एलिमेंट सेवेंटीन ग्रुप का ही है बट दिस इज रिडेक्टिव नेचर बेटा सो so इसको हम डिस्कस नहीं करते हैं ठीक है सो वी डिस्कस कंपाउंड ऑफ दिस फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन एंड आयोडिन विद हाइड्रोजन ओके वट है अगर फ्लोरिन रेक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनाएगा एच एफ दिस विल फॉर्म एच सी एल दिस विल फॉर्म एच बी आर दिस विल फॉर्म एच आई तो इस टाइप के कंपाउंड बनाएंगे हमें यहाँ पर बेटा डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है इन 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 कम्पाउंड्स की ओके okay, यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है बेटा हमें इन कंपाउंड्स की तो देखिए क्या हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वही बेटा बॉन्स लेंथ फर्स्ट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा है दैट इज बॉन्ड लेंथ बोंड लेंथ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर बेटा ठीक है देखिए बोंड लेंथ किस पर डिपेंड करती है बेटा बोन लेंथ डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ कंबाइनिंग आइटम्स डाउन द ग्रुप चलते हैं बेटा साइज ऑफ एलोजेंस क्या होता जा रहा है इंक्रीज सो साइज ऑफ एलोजन इंक्रीज होता जाएगा व्हाट हैपेंस बेटा बोन लेज तो ऑर्डर ऑफ बोन लेंथ क्या होगा मिनिमम किसकी होगी बोन लेफ की होगी बेटा उससे ज्यादा एच सी एल देन एच बी आर एंड मैक्सिमम इज एच आई सिंपल सेकेंड इज बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनथेल्पी बॉन्ड डिसोसिएशन एन बेटा बोन डिसोसिएशन एंड इज बेटा यू नो वेरी वेल यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू बोन लेंथ बोन लेंथ डाउन द ग्रुप क्या होती जा रही है इंक्रीज तो बोन डिसोसिएशन एन क्या होती जाएगी डिक्रीज तो मिनिमम बोन डिसोसिएशन एनथेरेपी किसकी होगी बेटा एच आई की और मैक्सिमम किसकी होगी एच एफ की सो एच एफ हैज मैक्सिमम बोन डिसोसिएशन एन उससे लेस होगी बेटा एच सी एल देन एच बी आर देन एच आई थर्ड प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा एसिडिकेक्टर थर्ड प्रॉपर्टी बेटा एसिडिक करेक्टर ठीक है अगेन एसडी कैरेक्टर किस पर डिपेंड करता है बेटा बोन डिस्ट एन पे डिपेंड करता है यहाँ पर ओके डाउन द ग्रुप

फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर दैट इज रिड्यूसिंग करेक्टर बेटा रिड्यूसिंग करेक्टर रिड्यूसिंग करेक्टर अगेन डिपेंड्स अपॉन टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन है ना टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जो लूज करने की टेंडेंसी उस पर डिपेंड करेगा एंड अगेन टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन डिपेंड्स अपॉन बेटा बोन लेंथ बोन लेंथ क्या होती जा रही है इंक्रीज टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन क्या होती जाएगी इंक्रीज रिड्यूसिंग करेक्टर में क्या होता जाएगा इंक्रीज ठीक है तो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग करेक्टर ऑल्सो इंक्रीज इज सो एच एफ इज लीस्ट रिड्यूसिंग इन नेचर उससे ज्यादा एच सी एल देन एच बी आर एंड एच आई इज स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग करेक्टर है इसका बेटा ओके नाउ वन पॉइंट वन मोर प्रॉपर्टी दैट इज बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट दिस बेटा बेटा जो म्यू रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंट को दिस इज इक्वल टू क्या होता है इज द ग्रुप बोन लेंथ क्या होती जा रही है बेटा इंक्रीज क्यों क्योंकि इंक्रीज बट डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन क्या होती जा रही है बेटा डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन डिक्रीज होती जा रही है बेटा

यहां पर एक पॉइंट माइंड में रखना जो क्यू है क्यू डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस ठीक है बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स और बेटा डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनाइ्रोटिव डिफरेंस क्या होता जा रहा है ठीक है और अगर डिक्रीज होता जा रहा है यहां पर सोटो डिक्रीज एंड क्यों डिक्रीज होता जा रहा है तो बेटा डाइपोलमेंट ऑल्सो डिक्रीजेज दिस इज डोमिनेंट फैक्टर है ठीक है ये डोमिनेंट फैक्टर है दिस इज डोमिनेंट फैक्टर है बेटा ट्रोनेगेटिविटी इज मोर डोमिनेंट डिफरेंस है जो इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दोनों एटम्स का ये डोमिनेंट है यहाँ पर सो वॉट बेटा दिस फैक्टर एंड डाउन द ग्रुप वॉट है का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जा रहा है तो मोमेंट भी डिक्रीज होता जाएगा सो विच हैज मैक्मम डायपोलमेंट एच एफ एच एफ का मोमेंट क्या होगा मैक्सिमम उससे लेस एच सी एल देन उससे लेस एच बी आर और लीस्ट बेटा एच आई का ठीक है सो दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोमेंट डायपोलमेंट मोमेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया बेटा अब एक और पॉइंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर सकते हैं बेस्ड अपॉन दिस बेटा दैट इज आयनिक करेक्टर आयनिक करेक्टर बेटा बेटा आयनिक क्टर किस पे डिपेंड करता है बेटा आयनिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोलमेंट किस पे डिपेंड करता है बेटा सिंपल सा पॉइंट है और डायपोल मोमेंट डाउन द ग्रुप क्या होता जा रहा है डिक्रीज सो हैपेंस है आयनिक करेक्टर भी क्या होता जाएगा डिक्रीज सो डाउन द ग्रुप मोमेंट क्या होता जा रहा है डिक्रीज सो आयनिक करेक्टर आल्सो डिक्रीजेस सो कैन यू टेल मे ऑर्डर सेम ऑर्डर रहेगा जो डाइपलमेंट का है मीन मोस्ट आइनिक कौन सा होगा एच एफ इज मोस्ट आइनिक इन नेचर उससे लेस बेटा एच सी एल देन उससे लेस बेटा एच बी आर एंड लीस्ट होगा बेटा एच आई ठीक है सो दिस इज रिड्यूसिंग और सो दिस इज बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आइनिक करैक्टर आइनिक करैक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ओके okay? नेक्स्ट प्रोपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा दैट इज बॉलिंग पॉइंट सेवेंथ प्रोपर्टी बॉइलिंग बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट किस किसपे डिपेंड करते हैं यू नो वेरी वेल बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपन मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर मोल्यूलर फोर्स अट्रैक्शन ठीक है विच फर्दर डिपेंड अपॉन बेटा सरफेस एरिया एंड देन विच फर्दर डिपेंड अपॉन मोलिकुलर साइज डाउन द ग्रुप

ठीक है और वेंड्रोल फोर्सेस में जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है यहां पर वेड्रोल फोर्स डायपोल डाइपल फोर्स वेंड्रोल आर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फोर्सेस में वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं पोप आपको ऊपर दिखाई दे गया होगा ठीक है तो उसमें क्या होता है वेंड्रोल फोर्सेस वेंड्रोल फोर्सेस आर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फोर्सेस बेटा डायपोल डाइपोल डायपोल इंड्यूस डाइपोल एंड डिस्पर्सन फोर्सेस तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड यहां पर डायपोल डाइपल फोर्सेस का ही है आप डायपोल डाइपल फोर्सेस भी लिख सकते हैं ठीक है नाउ अब डाउन द ग्रुप चलते हैं एच सी एल टू एच आई बेटा वॉट हैपन मोलिकुलर साइज क्या होता जाता है इंक्रीज मोलिकुलर साइज इंक्रीज होने से मैग्नीट्यूड ऑफ वेंडर फोर्स क्या होता जाएगा इंक्रीज और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर मोल्यूलर फोर्स इंक्रीज होगा मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड डिसोसिएट मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट ठीक है तो बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होते जाएंगे यहां से यहां तक ठीक है बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन वेंड्रोवल फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन

हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैगनीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉगर देन डाइपोल डाइपोल और वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ वेंडरवल फोर्स इन दीज अदर हाइड्रोजन ओके और अगर इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम ठीक है तो मिनिमम किसका हुआ फिर एच सी एल का उससे ज्यादा एच बी आर उससे ज्यादा एच आई और मैक्सिमम किसका होगा बेटा एच एफ का हो गया सो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ यहाँ पर बेटा एच एफ एच सी एल लेता हूँ पहले एच सी एल इज मिनिमम ठीक है उससे ज्यादा होगा बेटा एच बी आर देन बेटा एच आई एंड मैक्म इज एच एफ दिस इज द इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ठीक है नाउ मेल्टिंग पॉइंट्स मेल्टिंग पॉइंट बेटा मेल्टिंग पॉइंट्स के लिए एक और फैक्टर आ जाता है बेटा मेल्टिंग ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन पैकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकल फोर्स अट्रैक्शन है जो मेल्टिंग पॉइंट के केस में डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया एज वेल एज पैकिंग दोनों पर ही डिपेंड करता है ठीक है डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ठीक है और ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन है बेटा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया बट दिस इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू पैकिंग एंड सरफेस एरिया एज वेल एज जो बैग इंटूड ऑफ इंटरमोक्लोफोस एट्रेक्शन बेटा दिस इज डार्टली प्रपोर्शनल टू सरफेस एरिया एंड पैकिंग पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स क्लोजर है मीन ूल आर मोर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर मोल्यूल फोर्स अट्रैक्शन क्या होगा मोर होगा मोर इज द मेल्टिंग पॉइंट तो इन टू पॉइंट्स पे डिपेंड करता बट हेयर एक अमेजिंग पॉइंट आप यहां पर क्या चेक करेंगे बेटा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेंड्रवोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन एच आई इज मोर एच आई का जो मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड ऑफ वेंड्रवोल फोर्सेज और वी कैन से डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इन एच आई इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एच एफ ठीक है और ये किसमें बता रहा हूं मैं इन सॉलिड स्टेट किस बता रहा हूं मैं आपको ये इन सॉलिड स्टेट बेटा सॉलिड स्टेट के अंदर अगर हम चेक करते हैं इन सॉलिड स्टेट बेटा यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड कि जो मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड ऑफ वोल फोर्सेस इन एच आई इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एच एफ इसलिए बेटा मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ एच आई मोर होगा एज कंपेयर टू एच एफ ठीक है ना तो इट हैज मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इट हैज मैक्सिमम मेल्टिंग

थर्मल स्टेबिलिटी नाइन्थ प्रोपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर टूडे नाउ थर्मल स्टेबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी बेटा अगेन थर्मल स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड अपॉन बेटा ई एच जो बॉन्ड लेकर डिपेंड करेगी डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेथ क्या होती जा रही है इंक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज इज मीन बॉन्ड बिकम्स वीकर